इस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 बरस थी। ये शादी बहुत कामयाब साबित हुई। दोनों एक दूसरे के गमखार और जानिसार थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। बेटों में हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहिम और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। बेटियों के नाम हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माना में बैतुल्ला की दीवारें सैलाब की वजह से शिकस्ता और खस्ता हो गई थीं। चुनाचे अहले मक्का ने इसे नए सिरे से बनाने का फ़ैसला किया। इसकी तामीर के दौरान जब हजरे असवद के नसब करने का वक्त आया तो अरब के तमाम कबाइल इस सआदत को हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। इस बात पर झगड़ा उठ खड़ा हुआ, तलवारें नियाम से बाहर आ गईं। इतने में एक बुज़ुर्ग अबू उमैया बिन मुगीरा ने यह तजवीज़ पेश की कि आज सब लोग लौट जाएं, कल सुबह जो शख्स भी हरम में सबसे पहले दाखिल हो उसके फ़ैसले को तमाम कबाइल तस्लीम करेंगे। चुनाचे अगले रोज़ सबसे पहले हरम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दाखिल हुए तो तमाम कबाइली सरदारों ने यकज़बान होकर कहा कि अमीन आ गया, हम सब इनके फ़ैसला पर रज़ामंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फहमो फरासत से काम लेते हुए एक चादर बिछाई और उस पर दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को दावत दी कि सब मिलकर चादर उठाएं। जब हजरे अस्वद नसब करने की जगह पर पहुंच गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह नसब फरमा दिया। इस तरह तमाम कबाइल ने सादत भी हासिल कर ली और तनाज़ा भी ख़त्म हो गया। कबल अज़बेसत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुअज़्ज़िज़ और पाकबाज थे। हालांकि माहौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तबीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को एक मनसबे जलील पर सरफराज किया था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी इब्तदा से ही अहले अरब की मुशरिकाना रसूमात और लौहो लाभ से पाक थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को नेक सीरत और सलीमुल फितरत बनाया था। ऐलान नबूवत से 7 साल कबल एक रोशनी और चमक नज़र आई। इस रोशनी को पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को बहुत मसर्रत हुई। जूँ जूँ वक़्त गुज़रता गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खलवत नशीनी इख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पानी और सत्तू लेकर मक्का से 3 मील दूर पहाड़ों के सिलसिले में गारे हीरा में तशरीफ़ ले जाते। हर साल रमज़ानुल मुबारक इसी गारे हीरा में गुजारते। इसी अरसा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते अगले रोज़ सच्चे साबित हो जाते।